लिख लेना इसको, एवरेज एवीजी लिखूंगा मैं इन शॉर्ट. एवरेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेटाज, नंबर ऑफ डेटाज इनटू इनटू सिंगल इक्विवेलेंट वैल्यू, इनटू सिंगल इक्विवेलेंट वैल्यू. ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. जैसे मेरे यहाँ पर जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनकी एज ग्रुप अलग अलग है, कोई 10 इयर्स का है, कोई 11 इयर्स का है, कोई 9 इयर्स का है, कोई 13 इयर्स का है, कोई 12 एंड हाफ है. अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या एज है या क्या एज ग्रुप के, तो मैं ऐसा थोड़ा बोलूँगा 9, 10, 11, 11 एंड हाफ, 13. मैं एक वैल्यू बताऊँगा, मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज मेरे पास बच्चे 11 एंड हाफ ईयर्स के हैं या 12 ईयर्स के हैं, जो भी एवरेज आएगा. सो एवरेज इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेटाज इन टू सिंगल इक्विवेलेंट वैल्यू, सिंगल इक्विवेलेंट वैल्यू. अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सपोज अगर आपको 5 नंबर्स दिए हैं या कोई भी डेटा दिया है, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? आपने उन डेटा को ऐड करना है और उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करना है, खत्म एवरेज. तो हम क्या करेंगे, मैं मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, मैथमेटिकली और इस फॉर्मूले के साथ आपका एवरेज खत्म. सो मैथमेटिकली व्हाट इज एवरेज, मैं ऐसे लिखूंगा एवरेज ऑफ एन नंबर्स. अगर आपको एन नंबर्स दिए हैं, एवरेज ऑफ एन नंबर्स, वो एन कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6. एवरेज ऑफ एन नंबर्स विल बी नथिंग बट सम ऑफ एन नंबर्स. आप उन एन नंबर्स का क्या करोगे, सम करोगे, सम ऑफ एन नंबर्स अपॉन एन, जितने नंबर्स हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज ऑफ एन नंबर्स. अच्छा, लेकिन क्वेश्चंस में आपको सम निकालना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में. तो यहां से मैं एक सम का फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, यहीं से ड्राइव हुआ है वो. आपका एवरेज का फॉर्मूला आता है तो सम क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ एन नंबर्स इनटू एन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो एक और फॉर्मूला लिख लेता हूं आप लोग ले, सम ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू एन, पहले लिख लेता हूं एन इनटू एवरेज ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू एन इनटू एवरेज ऑफ एन नंबर्स. एवरेज खत्म, द चैप्टर इज ओवर, थ्योरेटिकल पार्ट ओवर. ओनली टू फॉर्मूलाज आर देयर. क्या होता है एवरेज, वो आपको समझ में आना चाहिए. और ये हर क्वेश्चन में, एवरेज के हर क्वेश्चन में, चाहे वो कितना भी एडवांस लेवल का हो, अगर मैं आपको एक सिविल सर्विसेज का भी क्वेश्चन दूं एवरेज का, तो यही फंडा लगने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं. क्या लगेगा एवरेज का फॉर्मूला, कहीं कहीं पर आपको सम निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालोगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटास करोगे मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, डिवाइड करना तो आता है, ऐड करना तो आता है, खत्म कहानी. डायरेक्टली बेटा क्वेश्चंस में कूदते हैं. अब हमें अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं और हमें वहाँ से इंटरप्रिटेशन सीखना है. इंटरप्रिटेशन मतलब लैंग्वेज को समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं लिखा राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दूँ, शलाय रबिट जल्दी इसको, और इसको बेटा बॉक्स में बंद भी कर दो मेरी तरह, डब्बे में बंद करो इसे. रिप्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए, इसको बॉक्स में बंद करो. आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दोगे फ्यूचर में, इससे ऊपर फंडा नहीं लगने वाला एवरेज का. एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेहतरीन, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा. लेकिन हाँ, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. जिसको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी उसके लिए क्वेश्चन बड़ा टफ है. क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा पहले एक ईजी कर लेते हैं, लिखना फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. ठीक है, तो पहले डेटा देख लो क्या दिया है आपको. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, ऐसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. 7 के जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं उनका आपको एवरेज निकालना है. ठीक है, व्हाट इज द आंसर, 21. ओके, सी बेटा सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको डेटा क्या दिया है पहले, सबसे पहले वो लिखना जरूरी है. अच्छा, व्हाट इज गिवन टू यू, नथिंग इज गिवन टू यू, बट ही इज सेइंग दैट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, वो तो मैं निकाल सकता हूं. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या क्या हो जाएंगे, 7 की टेबल, 7 वन ज़ा 7, एक मल्टीपल ये हो गया, 7 टू ज़ा 14, एक मल्टीपल ये हो गया, 7 थ्री ज़ा 21, एक मल्टीपल ये हो गया, 7 फोर ज़ा 28, 7 फाइव ज़ा 35, ये 5 मल्टीपल्स हैं 7 के.
आप कोई से भी ले सकते हो पांच मल्टीपल्स. इसमें क्या बोला है, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स बोला है, तो मैं फर्स्ट फाइव लिए मैंने भाई, सेवन वन से सेवन से लेके मैंने फर्स्ट फाइव लिए, ठीक है. अगर नॉर्मली सिर्फ मल्टीपल्स बोलता ना वो, तो आप कोई से भी मल्टीपल्स ले लेते एज अ विश, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स में आपने 7, 14, 21, 28, 35 ले लिया. अब आपको इसका एवरेज निकालना है. अरे क्या करना है आपने, इसका मतलब एवरेज ऑफ कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, एवरेज ऑफ फाइव मल्टीपल्स विल बी इक्वल टू सम. इन सब का सम कर लो बेटा, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 5, कितने नंबर्स हैं टोटल 5. अच्छा, अब बच्चे क्या करेंगे, सब को ऐड करेंगे, लेकिन मैं आपको बेटा कॉमन लेना सिखा रहा हूँ, बिकॉज दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, यू कैन टेक 7 कॉमन. अगर आप 7 कॉमन ले लोगे तो 7 वन जा 7 यहाँ तो 1 आ जाएगा, 7 टू जा 14 या 2, 7 थ्री जा 3, 4, 5 ऐसा आ जाएगा अपॉन 5. You have to make your calculation easy, बेटा. Competition है, time limit is there. अगर मैं एक question में आपसे कह रहा हूँ कि 10 घंटे लगाओ, तो उसका कोई use नहीं बेटा competition में. Time matters in competition, you have to remember this. यहाँ पर जिसको अगर math आती है वो important नहीं है, कौन किसका stamina कितना ज़्यादा है, कौन कितना fast है calculation में, that is important. क्योंकि time limit is there ना, टाइम लिमिट इज देयर, यू हैव टू विन द कॉम्पिटिशन. अगर टाइम से नहीं कर पाओगे तो लास्ट आओगे, और यहाँ पर तो आपको फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट कौन आएगा, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी ना. अगर साइकिलिंग का कॉम्पिटिशन रखूँ मैं, अब साइकिलिंग तो सारे बच्चों को आती है, लेकिन साइकिलिंग आना काफ़ी है क्या कोई कॉम्पिटिशन जीतने के लिए. अच्छा, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रोज़ साइकिलिंग करता हूँ, कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरा स्टैमिना ज़्यादा है, मेरी स्पीड भी ज़्यादा होगी, आई विल कम फर्स्ट. So this is the thing, but the same goes for maths also. You have to practice again and again. Then you will learn such kind of techniques. Acha, ab 7 into, sabko add karunga to kitna hoga? 15 upon 5. 5 threes are, and 7 threes are 21. Acha, at last, write this also. Last mein ye bhi likh lena, therefore, average of first 5 multiples of 7 is equal to 21, ठीक है. आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है, RMC इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, देन ओनली विल गेट 5 मार्क्स. पांच नंबर का सवाल आएगा, तो सिर्फ इतना मत कर देना कि ये लिख के अपॉन 5 कर दिया, 21 इज द आंसर, छोड़ दिया ना, देन यू विल गेट 2 मार्क्स और 1 मार्क. तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये तो बच्चों वाला सवाल था, हमें फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स पता है, हमें ऐड करना है, डिवाइड करना है. yes. हाँ, ये तो मैं अभी लर्नर वाले बैच से भी कहूँगा तो वो भी कर लेगा, इसीलिए तो हमने एक हायरार्की बनाई है बेटा. अगर आपके फंडामेंटल्स या कैलकुलेशंस वीक है तो आपको हम लोग लर्नर बैच में रखते हैं, वहाँ पर अगर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ा सा ठीक होगी तो हम आपको एडवांस में फाउंडेशन में ले आएंगे, फाउंडेशन में आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पे और वर्क करेंगे और लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में. एंड फाइनली अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए और लैंग्वेज समझ में आ गई तो एडवांस इज वेरी इजी. सारे सवाल आसान है बेटा, और एग्जाम के सवाल हैं. क्वेश्चन लिखना, अगला सवाल. द एवरेज एज ऑफ, अच्छा सवाल है, द एवरेज, शैल आई रिपीट? यस सर. ओके, आपको दिया है द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ठीक है. द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को ऐड कर लेता हूँ, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, इज 15 ईयर्स, बेटा 15 ईयर्स, ठीक है. याद रखना कि एवरेज एज 24 बच्चों की और साथ में प्रिंसिपल की, अगर मैं एवरेज एज निकालूंगा तो 15 ईयर्स आ रही है, ठीक है, ठीक हो गया. अब क्या दिया है, अब दिया है when the principal's age is excluded, exclude मतलब क्या होता है, हटाना, very good. When the principal's age is excluded, comma, the average, बेटा average को मैं in short AVG लिख रहा हूँ, the average age decreases by one year. वो कह रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल की एज को हटा दें तो एवरेज आपका 1 ईयर से घट जाएगा. और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द
फाइंड द एज ऑफ द प्रिंसिपल. सी कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया 39 इयर्स. फाइंड द एज ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये वही बच्चे हैं बेटा जिन्होंने प्रैक्टिस करी है. ठीक है, डजंट मैटर जिनका जल्दी आया ना कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करी तो उनका जल्दी आ गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे उनसे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. मैं उनको हरा सकता हूँ, हाँ मैं कॉम्पिटिशन में उनको हरा सकता हूँ, हाँ लेकिन मुझे मेहनत करनी है बेटा. हाँ, आफ्टर वर्क डेली मैं हरा सकता हूँ, किसी को भी हरा सकता हूँ. हाँ, दैट स्पिरिट इज रिक्वायर्ड. अच्छा, अब इस लैंग्वेज को समझना है और जो भी मुझे दिया है उसको मुझे मैथमेटिकली लिखना है बस, और यूँ हो जाएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व. यूँ अब आपको लग रहा है टफ है, वही दो फॉर्मूले यूज होने और कुछ भी नहीं. तो जहाँ पर मुझसे क्या कह रहा है, द एवरेज. सी नाउ मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा एक बार देख लो आप बेटा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. सबसे पहले क्या गिवन है, याद रखना गिवन ही क्वेश्चन का जीवन है. गिवन लिखना जरूरी है, आरएमसी का है बेटा, 10 नंबर का सवाल आएगा. गिवन ही क्वेश्चन का जीवन है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर. अच्छा गिवन क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे से. आपको दिया है एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, आपको दिया है एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड मतलब साथ में प्लस लिख रहा हूं मैं, प्लस प्रिंसिपल्स एज, प्लस प्रिंसिपल्स ना, तो 24 बच्चों का और प्रिंसिपल का जो एवरेज दिया है मुझे दिया है 15 इयर्स. ओके अच्छा, अब मैं ये जो एवरेज है ना बेटा, ये एवरेज है ना जो 24 स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल का, ये एवरेज को एवरेज का जो फॉर्मूला है उसको मैं खोलता हूँ. एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा. अच्छा इनका सम करता हूँ तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना लिखने का तरीका क्या होगा. ऐसा होगा सम ऑफ एज ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ. तो सम ऑफ एज, मुझे पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन एन, जितने नंबर्स हैं. सो सम ऑफ एज ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स प्लस प्रिंसिपल्स एज, प्लस प्रिंसिपल्स एज अपॉन कितने हो गए टोटल, 25. 24 बच्चे हैं और एक प्रिंसिपल है, कितने हो गए टोटल, 25 इज इक्वल टू 15 इयर्स. क्या बोलते हो, कोई शक अभी तक? तो यहां से बेटा क्या होगा, इफ यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, मैंने कुछ नहीं करा अभी तक, व्हाट आई हैव डन, एवरेज का फॉर्मूला लिखा है बस, और इज इक्वल टू 15 ऑलरेडी था, वो मुझे दिया है एवरेज, तो मैंने उसको इक्वल टू 15 कर दिया बस. अब मुझे क्या है, दिस न्यूमरेटर आई डोंट नो, तो इस न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी वेरी इजी. सो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर ऐसा आ जाएगा सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स प्लस प्रिंसिपल्स एज इज इक्वल टू 15 इंटू 375. अच्छा योर कैलकुलेशन शुड बी साउंड ना, आप चाहो तो उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, 25 इंटू 10 टू 50 हो गया एंड 25 फाइव 125 ना. हाँ हाँ, तो आप इसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो, 25 10 इज 250 एंड 25 5 125, तो दोनों को ऐड कर सकते हो आप, 250 और 125 को ऐड करोगे तो 3. तो आप ये कैलकुलेशन दिमाग में ही कर सकते हो, आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं. कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे 25 इंटू 15 कितना होता है, उनके 15 सेकेंड्स वहीं चले गए, और कुछ लोग क्या करेंगे इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, 25 10 तो हमें आता ही है और 25 5 कितना होता है 125, दोनों को ऐड कर देंगे, 250 और 125 को तो मैं दिमाग में ऐड कर ही सकता हूँ, दैट विल बी हाउ मच, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ 375. अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है मेरे पास, ये जो इक्वेशन आई है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं डब्बे में बंद करूंगा आप लोगों के ऐसे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि मुझे जो प्रिंसिपल की एज निकालनी है ना वो कहीं ना कहीं इसमें आ गया है. सोचो काश मुझे सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स पता होता, अगर मुझे 24 बच्चों के एज का सम पता होता तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ रखता, यहाँ पर वैल्यू आती, प्रिंसिपल एज अननोन रहता, यहाँ पर वैल्यू होती. क्या करता प्रिंसिपल की एज कैसे निकालता, इसको वहाँ ले जाता, वहाँ माइनस होता प्रिंसिपल की एज. इसका मतलब अब मेरा नेक्स्ट एम क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स. कैसे निकालेंगे, दिया है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलो, आगे बढ़े. अच्छा नाउ अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता अब हरकत यहाँ पर, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, मैंने इसको सजा दिया है. ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, मैंने इसको सजा दिया है. और अब मुझे क्या दिया है आगे, अब मुझे दिया है, अब दूसरी कंडीशन दिया है, व्हेन द प्रिंसिपल एज इज एक्सक्लूडेड. अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, चलो प्रिंसिपल को हटा दो ना, प्रिंसिपल्स एज इज एक्सक्लूडेड मैंने लिख दिया, मैंने प्रिंसिपल की एज हटा दी. ठीक है, प्रिंसिपल की एज एक्सक्लूड हो गया तो
तब एवरेज डिक्रीज हो गया वन ईयर. मतलब अब देख लो पहले इसको, देख लो इसका मतलब अब एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, क्योंकि अब प्रिंसिपल तो रहा नहीं, तो एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरेज ऑफ एज ऑफ, ठीक है, मैंने एज नहीं लिखा यहाँ पर, तो एवरेज एज ऑफ या एवरेज ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स विल बी हाउ मच नाउ, डिक्रीज्ड बाय वन ईयर. पहले कितना था, 15 ईयर्स, तो 15 में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 14 ईयर्स. ये लैंग्वेज समझ नहीं भैया, वो एक से डिक्रीज करने के लिए कह रहा है. तो पहले एवरेज 15 था जिसमें प्रिंसिपल भी था, 24 बच्चे भी थे, अब प्रिंसिपल को हटा दिया तो एवरेज एक साल घट गया, 15 से एक साल घटने को 14 गए थे. अब फिर से इसको मुझे फॉर्मूला खोलना है मैथमेटिकली, वही दो फॉर्मूला कैसे खोलूंगा एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स को, अरे सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स अपॉन 24 इज इक्वल टू 14 ईयर्स. तो यहां से क्या आ जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स विल बी हाउ मच, 14 इंटू 24 336 ईयर्स, ठीक है. आप फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करके या ब्रेक करके उसको कर सकते हो, 336 ईयर्स, ठीक है. तो बेटा देखो जो हमें चाहिए था, हमें इस इक्वेशन में क्या चाहिए था, सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, वो आ गया है. सपोज अगर मैं इसको इक्वेशन ए बोलूं, अगर मैं इक्वेशन ए बोलूं मैं से, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन ए बोल दिया, दिस रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट हा, और मेरा यहाँ पर क्या आ गया, इसको भी मैंने डब्बे में बंद कर दिया. बेटा रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको भी मैंने डब्बे में बंद कर दिया. तो सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितना आया, 336 ईयर्स. नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल एज, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन ए. तो मैं अब क्या लिखूंगा, नाउ आई विल राइट पुट वैल्यू ऑफ, सपोज इसको भी मैं इक्वेशन कुछ देता हूँ, सपोज इसको मैं इक्वेशन बी देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए. बी की वैल्यू ए में रख देनी है आपने. तो अगर आप ए में रखोगे तो सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितना रखोगे, 336. तो हो जाएगा 336. अब आप इस इक्वेशन को देखो, सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स के बदले आपने क्या लिखा, 336 प्लस प्रिंसिपल्स एज, ये तो हमें पता ही नहीं, तो उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, प्लस प्रिंसिपल्स एज इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 375. देयरफॉर प्रिंसिपल्स एज इज इक्वल टू 375 माइनस 336 एंड इट विल कम 39 ईयर्स. दैट्स इट. तो हमने क्या किया इसमें बेटा, कोई रॉकेट साइंस लगाई क्या, दो फॉर्मूले यूज किए, कौन से फॉर्मूले, कौन से एवरेज के फॉर्मूले, क्या करा, सम निकाला. हम सम क्यों निकालते हैं याद रखना, क्योंकि कभी भी अगर हमें कोई डेटा ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो वो हम सम से करते हैं बेटा. क्योंकि अगर हमें प्रिंसिपल की एज हटानी थी ना तो वो हम सम से हटा दे, प्रिंसिपल की एज अगर हम ऐड करते तो वो हम सम में. देखो हमने प्रिंसिपल की एज कहाँ ऐड करी हुई, सम ऑफ एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स प्लस प्रिंसिपल एज, और हमने सम से ही प्रिंसिपल की एज हटाई, तो इसलिए सम निकालना जरूरी. तभी मैंने दो फॉर्मूला कराया आपको, है तो एक ही फॉर्मूला हुआ एवरेज का ना, और वहीं से मैंने सम निकाल के एवरेज इनटू एन कर दिया. दैट्स इट, टोटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन. फॉर्मूले तो दो ही हैं, और अच्छा सवाल है, 10 मार्क्स का आएगा अगर आएगा एग्जाम में, तो अगर पहली बार कोई बच्चा देखेगा तो बोलेगा पता नहीं क्या है, पता नहीं कितना टफ है. तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन. नोट इट डाउन, फटाफट से करो, पहले ये करना फिर वो करना फिर ये करना, और ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है, सब्जेक्टिव पेपर है, रिप्रेजेंट करना है, 10 नंबर का है, 10 नंबर तभी मिलेंगे जब हम अच्छे से लिखेंगे सारी चीज़ें. कोई डाउट?